हाय फ्रेंड्स, रीता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए सूजी की पूरी लेकर आई हूँ। ये पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप इसी तरह पूरियाँ और ये पानी और मसाला बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाते हैं। आज हम घर पर सूजी के गोलगप्पे बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया, घर पर सूजी के गोलगप्पे बनकर तैयार हो जाते हैं। मार्केट से लाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो आप घर पे बनाइए। बस मेजरमेंट का थोड़ा ध्यान रखिए, तो बहुत ही अच्छे गोलगप्पे बनकर तैयार होते हैं। ये हमने 1 कप सूजी लिया है। आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं, कप से लीजिए या कटोरी से लीजिए, लेकिन जैसा हमने लिया है बस उसी हिसाब से लीजिए। हमने 1 कप सूजी लिया है, मोटी या बारीक सूजी कोई भी ले सकते हैं। 1 कप सूजी के लिए आधा कप हमने गर्म पानी लिया है। इतना गर्म पानी लिया है कि जिसमें हमारी उंगली आराम से सह सके। और 1.5 टेबल स्पून हमने इस टेबल स्पून से तेल ले लिया है। 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 से भी हमने आधा बेकिंग सोडा ले लिया है। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कुछ भी ले सकते हैं। चलिए आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। हमने एक बोल ले लिया है और इसमें ये सूजी डाल देंगे। नमक डाल देते हैं और ये 1/4 से भी आधा हमने बेकिंग सोडा लिया है और 1/2 टेबल स्पून तेल। देखिए, 1 और ये 1/2, और ये पानी डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं इसे। इसमें हम ये पानी डाल देंगे। एक कप सूजी में बराबर आधा कप पानी लगता है। अगर आप 1 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो आधा कटोरी पानी डालिए। देखिए, अभी थोड़ा सा गीला है। जब ये सूजी फूलेगी तब ये बराबर हो जाएगा। इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। तब तक सूजी अच्छी तरह फूल चुकी होगी। चलिए इसे हम यूं ही छोड़ देते हैं, ढक्कन कवर कर देंगे। देखिए, आधा घंटा हो गया है। कम से कम इसे 20 मिनट या आधा घंटा रखिए, उसके बाद आप 1 घंटा भी इसे रख सकते हैं रेस्ट करने के लिए। देखिए, अच्छे से डो तैयार हो गया है। अब हम इसे अच्छी तरह मसल लेते हैं। आपने देखा कि जब हमने डो लगाया था तब हमने ढीला रखा था थोड़ा। सूजी ने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और देखिए सूजी बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है। इतना ही परफेक्ट डो हमें तैयार करना है। अगर आपको लगता है कि डो थोड़ा सा गीला है तो आप इसी समय सूजी मिक्स कर सकते हैं। 1 से 2 टीस्पून सूजी मिक्स कर लीजिए तो टाइट हो जाएगा और फिर इसे अच्छी तरह मसल लेंगे। हम इसे 4 से 5 मिनट अच्छी तरह मसल लेते हैं। डो को हमने थाली में कर लिया है और थाली में रखकर हम इसे 4 से 5 मिनट इसे अच्छी तरह मसल लेंगे ताकि ये डो बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाए और जो सूजी है सूजी भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। सूजी के एक भी कण दिखना नहीं चाहिए। हथेली की सहायता से हम इसे अच्छी तरह मसल लेते हैं। देखिए, 5 मिनट हो गया है इसे मसलते हुए। बहुत ही सॉफ्ट डो लगकर तैयार हो गया है। देखिए, इसी तरह का हमें सॉफ्ट डो लगाना है। देखिए, एक भी इसमें सूजी नहीं दिख रही है, पूरी प्लेन हो गई है सूजी। खूब अच्छी तरह से मसल के हो गया है। अब हम इसे लोइया तोड़ लेंगे। हमें मसलते समय इसमें तेल नहीं लगाना है न पानी लगाना है, इसी तरह से इसे मसलना है। इसकी हम एक बड़ी सी लोई ले लेते हैं और इससे हम छोटी छोटी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने एक कपड़ा ले लिया है, एक थाली के ऊपर बिछा दिया है कॉटन का। इसके ऊपर हम पूरियां बना बना के रखेंगे। इसमें रखने से बहुत आराम से पूरियां निकल जाती है, चिपकती नहीं है थाली में। इसमें हम थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं। और
इसे हम कट कर लेंगे। छोटी छोटी पूरियां बनाना है। अगर आपको राउंड शेप में बनाना है तो आप थोड़ा आटा लगा के बड़ा सा चकले भर का आप बेल लीजिए और एक ढक्कन की सहायता से काट भी सकते हैं, लेकिन मैं ओवल शेप में बना रही हूँ इसीलिए इसे मैं इस तरह से बना रही हूँ। बाकी का जो आटा है इसे हम ढककर रख देंगे, नहीं तो ये कड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है इस पे और थोड़ा हम बेलन पे लगा लेंगे और इसे हम ओवल शेप में बेल लेंगे। देखिए बस इस तरह से, इतना हमें मोटा रखना है, पतली, बहुत ज़्यादा पतली नहीं करना है और मोटी भी नहीं रखना है। देखिए इस तरह से थिकनेस होना चाहिए। पूड़ी भी इससे मोटी होती है, पूड़ी से पतला और रोटी से थोड़ा मोटा। इसे हम ये इस पे कपड़े पे रखते जाएंगे इस तरह से। ऐसी हम सारी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको राउंड बनाना है तो राउंड शेप में भी बना सकते हैं। अगर आपको छोटे साइज की बनाना है तो आप छोटी भी बना सकते हैं। चलिए इसी तरह हम सारी पूरियां बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसे तल लेते हैं। हमने एक कढ़ाई रख ली है और उसमें हमने तेल डाल दिया है। तेल को अच्छी तरह गरम होना चाहिए। हमने बहुत अच्छी तरह से गरम कर लिया है और फ्लेम को मीडियम कर लिया है। अब हम इसमें पूरियां डालेंगे। अगर आपको पूरियां ज्यादा ही खट्टी बनानी है तो जैसे तो ये ऊपर से सूखने लगती है, तो आप क्या करें कि इसके ऊपर से एक कपड़े को ढकते जाएं तो पूरियां सूखेगी नहीं। पूरी डालने से पहले हम थोड़ा सा आटा डाल के चेक कर लेते हैं। अगर ये आटा तैर के ऊपर आ जाएगा, देखिए बहुत अच्छी तरह से तेल गरम हो गया है। अब हम पूरियां डाल देंगे। फ्लेम को अभी हमने हाई रखा है, बाद में इसे लो कर लेंगे ज्यादा तेल गरम हो जाएगा तो। देखिए ऐसे ही हम पूरियां डालते जाएंगे। हल्का हल्का प्रेस करना है इसको ताकि पूरियां अच्छी तरह फूल जाए। हमने फ्लेम को मीडियम कर लिया है। देखिए हमारी पूरियां बहुत अच्छी तरह से फूल रही है। आप जब भी पूरियां बनाएं तो उसका जो मेजरमेंट है बराबर रखिए, बहुत अच्छी पूरियां बनती हैं। इसे हम अब निकाल लेंगे। चलिए अब हम इसे इसमें निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, छन्नी में निकालना इसीलिए जरूरी है कि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसमें निकल जाता है। हमने पूरियों को छन्नी में निकाल लिया है, बहुत अच्छी तरह से तेल निकल चुका है। अब हम इसे टिश्यू पेपर पे रख देंगे और इसका एक्स्ट्रा ऑयल और निकल जाएगा। बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है, बहुत अच्छी क्रिस्पी बनी है। देखिए पहले हम मसाला तैयार कर लेंगे। हमने ये 3 बॉईल आलू ले लिया है, इसे हम मैश कर देते हैं।
देखिए हमने इसे मैश कर दिया है। हमने ये उबले चने ले लिया है, इसे चनों को, काले जो चने होते हैं इसे हमने उबाल लिया है, उबले हुए चने हैं, इसे भी हम डाल देंगे। और चनों को भी थोड़ा हम मैश कर लेते हैं। चनों को भी हमने मैश कर लिया है थोड़ा थोड़ा, आलू के साथ में अच्छी तरह इसे मिक्स कर देते हैं। इसमें हम मसाले डाल देंगे। हमने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, आप चाहे तो हरी मिर्च भी बारीक बारीक कट करके ले सकते हैं। आधा से 1 चम्मच आप अपने स्वाद अनुसार लीजिए। नमक डाल दिया और ये हमने 1 प्याज काट लिया है बारीक बारीक, और हरा धनिया ये डाल देते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। हमने ये आलू और चने का मिक्सचर तैयार कर लिया है। ये मैंने पानी बना लिया है पूरी के लिए। इसमें हमने 1 कटोरी हरा धनिया, आधा कटोरी पुदीना, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 से 2 हरी मिर्च, आप जैसा तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से हरी मिर्च डालें। और इसमें अगर आपको केरी डालना है तो आप 2 से 3 स्लाइस केरी डालिए, जो कच्चा आम होता है वो बहुत ही स्वादिष्ट पानी बनकर तैयार होता है। मेरे पास में केरी नहीं थी इसीलिए मैंने इसमें 2 टीस्पून अमचूर पाउडर डाला है, 2 टीस्पून पानीपुरी मसाला, आधा टीस्पून जीरा पाउडर और आधा टीस्पून काला नमक, आधा टीस्पून सादा नमक हमने मिक्स कर दिया है इसमें। और ये मैंने बूंदी डाल दी है थोड़ी सी, ज़रूरी नहीं है कि आप बूंदी डालें, अगर है तो डालिए। और इमली की ये मीठी चटनी तैयार की है, मैंने इसका वीडियो पहले अपलोड किया है, उसे आप देखिएगा। चलिए अब हम पूरियों में पानी भर के दिखाते हैं, मसाला और पानी डालते हैं। ये हमने एक पूरी को तोड़ लिया है, देखिए बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनी है। इसमें हम ये मसाला डाल देते हैं, आपको जितना मसाला पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। और इसमें हम थोड़ी सी मीठी चटनी डालेंगे और देखिए पानी डालते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट पानी बना है। इसमें हम पूरा पानी भर देंगे और वाह, देखिए मेरे तो मुंह में बहुत पानी आ रहा है, मैं तो जल्दी से इसे खाना चाहती हूँ। इसी तरह आप पानी पूरी बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और जो मैंने ये पूरिया बनाया है आप इसी तरह बनाइए, बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है और घर पर आसानी से बनती है। इसी तरह आप पूरिया बनाइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।